मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए इंदौर में नामांकन फॉर्म जमा कराए जा चुके हैं। सोमवार को नामांकन पत्र जमा करने की आखिरी तारीख थी। आपको बता दें कि मंगलवार को समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी रजनीश जैन का नामांकन खारिज कर दिया गया। नामांकन फॉर्म की जांच के दौरान पीठासीन अधिकारी ने जैसे ही इन फॉर्म को जो है खारिज किया, रजनीश जैन और उनके समर्थकों ने जमकर हंगामा मचा दिया। आपको बता दें कि पुलिस सबको समझाइश देती रही, लेकिन जैन अपने समर्थकों साथ अधिकारियों पर ही गलती करने का आरोप लगाते रहे। जैन का कहना था कि अधिकारियों ने फॉर्म जमा करने के समय सिर्फ एक प्रस्तावक के साइन के लिए कहा था, लेकिन आज कहा जा रहा है कि 10 प्रस्तावक के साइन चाहिए थे, इसलिए आपका नामांकन रिजेक्ट कर दिया गया है। आपको बता दें कि मंगलवार को जैन के साथ विधानसभा एक के निर्दलीय प्रत्याशी अंजलि पति संजय शुक्ला का भी फॉर्म निरस्त कर दिया गया है। अंजलि ने भी फॉर्म नहीं लगाया था, जिस वजह से इसे निरस्त कर दिया गया। इस बार 136 प्रत्याशियों ने नामांकन पत्र जमा किए हैं। मंगलवार से इन नामांकन पत्रों की जांच शुरू हो गई है। वहीं अधिकारी जिन नामांकन पत्रों में त्रुटि निकाल रहे हैं उन्हें खारिज कर रहे हैं। जल्द ही पता चलेगा कि कितने नामांकन पत्र खारिज हुए हैं। प्रत्याशियों को अपना नामांकन वापस लेने के लिए भी 2 नवंबर तक का समय दिया गया है। आपको बता दें कि 3 नवंबर को पता चल जाएगा कि इस बार कुल कितने प्रत्याशी विधानसभा चुनाव के लिए मैदान में हैं। इस बार बड़ी संख्या में निर्दलीय प्रत्याशियों ने भी अपने नामांकन दाखिल किए हैं। बड़ी पार्टियों के प्रत्याशियों के साथ वे भी अपने किस्मत चुनावी मैदान में आजमा रहे हैं। ये था अब तक का अपडेट। ऐसी तमाम जानकारी और अपडेट्स के लिए बने रहिए वॉइस ऑफ एमपी के साथ।